गृह मंत्री अमित शाह का आज त्रिपुरा का दौरा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। दरअसल रैली और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश आज अमित शाह की तरफ से की जाएगी। तो त्रिपुरा दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। आज उनकी तरफ से रैलियां की जाएंगी और एक भव्य रोड शो किया जाएगा। आने वाले त्रिपुरा चुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई है। मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में ये बयान दिया। उन्होंने कहा, भगवान की नजर में सभी एक हैं। उनकी नजर में कोई जाति कोई वर्ण नहीं है, ये जातियां पंडितों ने बनाई है। प्रमुख ने कहा कि समाज के लिए सबकी जिम्मेदारी होती है, जब हर काम समाज के लिए है तो ये बंटवारा कैसे हो गया। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि हमारे समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया और इसी वजह से हमारे देश में विदेशी आक्रमण भी हुए। जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख के बयान से नई बहस शुरू हो गई है। हिंदू नेताओं के इस मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रखे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया। वीएचपी महासचिव विनोद बंसल ने कहा कि हिंदू समाज एक है, साथ ही उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कोई ऊंचा नीचा है नहीं, हाँ इसको क्रिएट करने की कोशिश कालांतर में जब मुगल आए तब और ये जो अंग्रेज आए तब भारत की समाज को बांटने काटने छांटने का काम इन्होंने किया। स्वामी चक्रपाणी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा किया गया और जो आई है जातियां अस्तित्व में, सबका अपना अपना कर्म के आधार पर धीरे धीरे उपजातियां बन गई और इस तरह सैकड़ों हो गए। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, साथ ही इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में फैले पीएफआई नेटवर्क पर एटीएस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पीएफआई के सक्रिय 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया। एटीएस और एसटीएफ ने पीएफआई के उन सदस्यों को अपनी रडार पे लिया जिन पर अब तक पकड़े गए सदस्यों को आर्थिक और कानूनी मदद करने का शक है। इन लोगों के खिलाफ संगठन की कई बड़ी बैठकों में शामिल होने के सबूत मिलने का दावा किया गया। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। बारी बारी से पीएफआई से जुड़े सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद बड़ी संख्या में सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं 2 दिन में मध्य प्रदेश से 4 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।